नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेशन लिंक से प्रोवाइड करते हैं। काफी टाइम से बच्चों की डिमांड थी, जो भी बच्चे नए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम से यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी उनको बुक लिस्ट बताइए अभी के लिए कौन से बुक रिफर कर सकते हैं, और साथ ही में स्ट्रेटेजी भी बताएं कि कैसे हम बुक बुक के साथ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको सभी जो सब्जेक्ट की बुक्स है और वो कैसे कंप्लीट करनी, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उन सभी पैरामीटर पे मैं आपके साथ वन बाय वन बात करूंगा। वीडियो की इंफॉर्मेशन देखें इससे पहले, यदि आप चाहते हैं कि जितने भी लेक्चर हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप सिंपली एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेज सकते हैं, तो जब भी कभी लाइव लेक्चर होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप से भी मिले, और रेगुलर यूट्यूब नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। वन बाय वन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो सब्जेक्ट हो वो हिस्ट्री। हिस्ट्री में जैसे कि आपको पहले से ही पता है, हिस्ट्री में जैसे चार पार्ट्स होंगे, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। जैसे कि आपने क्वेश्चन का ट्रेंड देखा होगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो प्रीलिम्स में प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी कोई बुक्स है वो है स्पेक्ट्रम की, राजीव आहिर सर की जो बुक्स है। अभी मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक हम एक ही बुक से करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ताकि हमें मल्टीपल बुक्स पढ़नी ना पड़े। अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट है ही काफी लेंथी, पढ़ना ज्यादा है, कैसे पढ़े, कितने टाइम में कंप्लीट करें, तो उसके लिए आप क्या किए, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंशियंट, मिडिवल, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, जनरली मैं बच्चों को एनसीईआरटी के लिए रिकमेंडेशन करता हूँ हिस्ट्री में। अभी यहाँ पे जितनी भी बात होगी, जो भी कोई मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा उसमें रेफरेंस के लिए आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए, और जैसे कि एक सब्जेक्ट पूरा बुक में से ही कंप्लीट हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी, करंट अफेयर में भी काफी सारी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो आपको फुलफिल करनी है। तो हिस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री आप हायर के साथ कंपेरिजन में भी करें तब भी वो चल जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए जो हिस्ट्री है उसमें काफी इंपोर्टेंस पॉइंट कौन से हैं। इसके बाद जो मैं सब्जेक्ट पे आपके बात करूंगा तो वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं, याद रखिए। आपको पूरी बुक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी, दिमाग में एक बार बिठा के रखिएगा, कोई भी बुक है आपको पूरी नहीं पढ़नी। तो बुक में से पढ़ना कितना है, ये यदि आपको ये आइडिया नहीं है बुक्स में से पढ़ना कितना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना होगा, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर में बात करूं तो कम क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए आपको पूरा बुक इसी में कंप्लीट नहीं करना है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो इसका अल्टरनेटिव है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से भी टॉपिक काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी में जैसे जिसी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, हालांकि जियोग्राफी काफी सारा क्वेश्चनिंग जो है वो करंट से ही आता है, पूरा जियोग्राफी बुक्स में कवर नहीं होगा, बुक से पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऐसी कोई एक बुक है ही नहीं। काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये सब्जेक्ट कोई बुक बता दो जिसमें कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी कोई बुक है ही नहीं। आगे हम काफी सारी बुक देखेंगे, जैसे कि इस सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक है, अब एक ही पढ़े और 100% हो जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, आपको करंट की प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बुक्स मैंने आपको दिखाई है उन सभी के लिंक अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए, जिस बुक में दो ऑप्शन हो गए, ज्यादातर मैंने ट्राई किया है कि एक सब्जेक्ट में एक ही बुक आपको रिकमेंडेड करूं, और उसमें भी आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, उसमें जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाई करनी, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसमें मैंने आपको क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले सोल्व करना है, ताकि आपको पता चले सब्जेक्ट में कौन सी थियरी इंपॉर्टेंस है, यानी पूरा थियरी में जो सब्जेक्ट है वो पूरा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से 70% क्वेश्चन आते हैं और बाकी के 70% सिलेबस का ऐसा पोर्शन होता है वहां से 30% क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको टारगेट करना है 70% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो उसी चीज को अच्छे से पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना ही है, लेकिन बुक्स कंप्लीट नहीं करनी।
सिलेबस कंप्लीट करना। काफी सारे बच्चे यहाँ ही गलती कर देते हैं, बुक्स लेके आते हैं सब्जेक्ट और यूपीएससी प्रिपरेशन के नाम पे बुक्स प्रिपेयर करते हैं, बुक्स प्रिपेयर नहीं करना। और ये सारी बुक्स है, अभी देखिए जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए, तो इसके हिंदी बुक्स भी अवेलेबल है। इसी में जिसके हिंदी बुक्स ना अवेलेबल हो तो इसके अल्टरनेटिव बुक्स भी आपको वहीं पे सजेशन हो जाएंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट वाइज नाम लिखेंगे, ठीक है, यानी आप ऑनलाइन परचेस करने के लिए जाएंगे, ट्राई कीजिएगा लेटेस्ट एडिशन लेने के लिए। कुछ में लिंक पुराने भी दिए होंगे, पुराने एडिशन के भी लिंक दिए होंगे, लेकिन आप पुराने लिंक भी ओपन करेंगे तो आपको लेटेस्ट एडिशन दिख जाएंगे। लेटेस्ट एडिशन दिखना परचेस करना, लेटेस्ट एडिशन परचेस करने से फायदा क्या होगा कि भाई जो भी कोई नया अपडेट होगा, कोई टॉपिक होगा, तो वो अपडेट होके आ जाएगा, इसीलिए अपडेटेड कॉपी की डिमांड रहती है। आप पुराना भी बाय कर सकते हैं, अगर किसी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, पुराना बाय कर सकते हैं, वो डिस्काउंट प्राइस में मिलते हैं, तो आपके लिए वो भी बेनिफिट है, अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज आप नई एडिशन के साथ जा सकते हैं। काफी बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, सर मेरे पास पुराने एडिशन की बुक है तो क्या मुझे नई बाय करनी चाहिए? तो इसका जवाब है, आपको करनी चाहिए, अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो करनी चाहिए, वरना आप जो अपडेट है वो करंट अफेयर आपको प्रिपरेशन करनी है। आपके प्रिपरेशन में जो मटेरियल है उसमें मैंने तीन चीजें आपको ऑलरेडी बता के रखी, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, और कैसे प्रिपरेशन करनी है जीएस पेपर 1 2 3 सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, वो मैंने सारा कुछ आपको बताया। ये स्टूडेंट की डिमांड थी बुक्स को लेके, तो वो डिमांड में यहाँ पे कम्प्लीट कर रहा हूँ। जैसे इसमें माजिद हुसैन और जीसी लियोंग दोनों है, आपको जो भी जिसकी भी लैंग्वेज अच्छी रहे आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होती है लेकिन वो पूरा नहीं होती, मैं अगर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और बात करें मैपिंग में, तो जैसे ऑक्सफोर्ड एटलास जो है वो आप परचेस कर भी सकते हैं और आपको नहीं भी करनी चाहिए, आपके ऊपर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये सारे जो टॉपिक्स है उसके लिए गूगल मैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट में कोई भी जगह के नाम आता है, कोई कंट्री का नाम आता है, कोई रिलेशन का नाम आता है, तो आप उस कंडीशन में आप डायरेक्ट गूगल मैप से इंटरनेट के माध्यम से आप उस एरिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपनी नोट्स बुक्स में उसके नोट्स बना सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड एटलास में आप बैठ के पूरा प्रिपेयर करने बैठेंगे ये होगा नहीं, आप सारा कवर कर लें नहीं होगा, इसमें कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो आपको कितना प्रिपेयर करना है वो आपको आइडिया नहीं है, तो ये आपको ज्यादा फायदा देगी नहीं, फिर भी आप चाहे तो आप मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो इंडियन पॉलिटी के लिए एक ही बुक्स है लक्ष्मीकांत जी की, वो आप पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन, आपके पास 5th एडिशन है तो जो भी चेंजेस हुए हैं नए है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको करंट से करने। हालांकि अभी 6th एडिशन भी पुरानी हो गई है, नए जो एडिशनल चेंजेस आए वो आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए इसमें गवर्नेंस के भी टॉपिक है, वेलफेयर स्कीम के भी टॉपिक है, तो गवर्नेंस आप इसके लिए ऑलरेडी काफी सारे मॉड्यूल अवेलेबल है इग्नू के, वो आप पढ़ सकते हैं, या तो आप दृष्टि की वेबसाइट में जाके भी गवर्नेंस के ऊपर काफी सारे एडिटोरियल अवेलेबल है, वो भी आप पढ़ सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, उसमें से सीधे सीधे नोट्स बनाए और नोट्स ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए हालांकि ये आपको करंट अफेयर से प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इस बुक्स में इंडिया नेबरिंग कंट्री, लुकिस एक्ट पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हैं वो आप इस बुक से आप प्रीफर कर सकते हैं। देखिए इसका एक अल्टरनेटिव और भी है, जैसे एक तो मेन सब्जेक्ट जो रहेंगे उनके लिए बुक्स है, वो भी बुक्स पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंस टॉपिक है वो पढ़नी है। अभी आपको हिंदी या इंग्लिश में सारा कंटेंट, क्रिस्पी कंटेंट चाहिए, शॉर्ट में कंप्लीट करना है या आइडिया लेना है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, जैसे ये सारी बुक्स आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगी, लेकिन आपको प्रीलिम्स टारगेट है कि भाई पूरा प्रीलिम्स का भी सिलेबस कवर हो जाए, मेंस का भी कवर हो जाए, और कम समय में, और पता नहीं है क्या पढ़ना है, ये बुक तो पूरी पढ़नी है, इसके लिए दो उपाय है। एक तो क्या कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी जो भी मीडियम है आप अपने से सिलेक्ट कर लीजिए, इसके लिए विजन आईएएस और दृष्टि के नोट्स अवेलेबल होते हैं, आपको चाहिए तो आप हमारे एकेडमी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एकेडमी का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं। और दूसरी चीज है वो है एनसीईआरटी, आपको ज्यादा टॉपिक कम टाइम में कवर करना है और ज्यादा ऑथेंटिकेशन आपको सोर्स चाहिए इजी में, तो वो एनसीईआरटी से भी आप काफी सारे टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ हालांकि एडवांस के लिए आपको नोट्स या रेफरेंस बुक ही पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी है, तो आप एक एकेडमी को कांटेक्ट करके भी आप घर मंगवा सकते हैं, कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको एक हफ्ते के अंदर आपको मटेरियल जो भी है वो डिलीवर हो जाएगा। तो इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके बाद इकोनॉमी में रमेश सिंह की बुक है, लेकिन याद रखिए ये बुक भी आपको पूरी पढ़नी नहीं है,
इसमें से जो टॉपिक, काफी सारे ऐसे चैप्टर है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जो एडिशनल है फॉर इकोनॉमी के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए, यूपीएससी के लिए बेसिक मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ही। इसके लिए आप 11, 12 के एनसीईआरटी से भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा उपाय इसमें ये भी है, मृणाल सर का भी मटेरियल अवेलेबल है, आप मृणाल सर की वेबसाइट में जाके डाउनलोड करके वो भी पढ़ सकते हैं। वो काफी ईजी है और छोटा भी है और अपडेट भी होता रहता है, सर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपको इक्वली बेनिफिट देंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट सिर्फ एक बुक से कंप्लीट नहीं होगा, जैसे एक बुक पढ़ ली शंकर आईएएस एनवायरमेंट बुक तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको करंट मेल से भी काफी सारे अपडेट लेने हैं। अब याद रखिए, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है वो दोनों के लिए होते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रीलिम्स होती है और जो बच्चे आईएफएस सर्विस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी प्रीलिम्स कॉमन होते हैं, मेंस सेपरेट होते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू काफी सारे एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम आपके दिमाग में रहना चाहिए ये हमको प्रीलिम्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस में इसके जीएस पेपर 3 में टॉपिक आता है, तो जीएस पेपर 3 में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, तो क्वेश्चन एक या दो आएंगे, तो वो आपको पहले से ही पता होगा करंट से, अगर आप करंट इफेक्टिवली प्रिपेयर करते हैं तो। तो आप जब इस बुक को पढ़े तो इसमें याद रखिए कि भाई प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन बनेंगे जनता, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं वो दिमाग में रख के आपको काम करना। और साइंस इन टेक, तो साइंस इन टेक के लिए हालांकि आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, एनसीईआरटी के अलावा आप कोई बुक्स देख सकते हैं, तो ये आपके सामने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। हालांकि साइंस इन टेक में और भी करंट के टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं, उसमें एक तो है नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिर ये अपना स्पेस स्टेशन में बात करें तो इसरो, गगनयान, ये सारे जो मिशन है, रॉकेट्स है, और दूसरी सारी टेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो वो हमको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट में बात करूं तो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है और इंडियन सोसाइटी है आईआर, मैंने जैसे आपको बुक की बात की और मटेरियल की बात की, फिर आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट का मॉड्यूल अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बुक्स हैं, लेकिन इसके वजह मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा आप विजन आईएएस के जो नोट्स है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, विजन आईएएस के नोट्स दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी में, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि का भी मटेरियल अवेलेबल है, आपको वो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, आप एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर जो है वहां पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आशा रखता हूँ यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको बताया गया है सब्जेक्ट वाइज बुक वाइज जो आपको आइडिया क्लियर हो गया, पूरा बुक्स नहीं पढ़नी है और आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको और अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एनसीईआरटी और क्लास नोट्स हिंदी और इंग्लिश विजन और दृष्टि के लिए भी आप एकेडमी को कॉन्टेक्ट करके बुक्स और मटेरियल मंगवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ आईएएस लाइफस्टाइल टिकट। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।